Assalamu alaikum. We'll be doing short answers of chapter number 4, cells and tissues. Question number 1, why is mitochondria also called the powerhouse of cells? Mitochondria ko power of the cell kyun kaha jata hai? Mitochondria known as powerhouse of the cell because it is responsible for the extracting energy through cellular respiration. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि खाने से जो एनर्जी हमें मिल रही होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी माइटोकॉन्ड्रिया को गिवन होती है. दे आर ऑर्गेनल्स दैट एक्ट लाइक अ डाइजेस्टिव सिस्टम विच टेक्स इन द न्यूट्रिएंट्स, ब्रेक्स देम डाउन एंड क्रिएट्स एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स फॉर द सेल. वो पार्ट ऑफ सेल हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेते हैं, उनको तोड़ते हैं और उसमें से एनर्जी तैयार कर रहे होते हैं. The biochemical processes of the cell are known as cellular respiration. जिस तरीके कार से माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी तैयार करके देता है, that process is known as cellular respiration. Question number 2, why is iodine used to stain the onion peel? Onion peel में stain करने के लिए हम लोग iodine का इस्तेमाल क्यों करते हैं? Stain यानी कि उसे रंग भरने के लिए. Purpose of iodine. Iodine is used to stain the onion peel because staining imparts color to the cell or its component and enhances its contrast and makes it easier to see the structure of the cells. Iodine का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि cell जो है उसमें वो colorless होता है, transparent color होता है onion cell का, onion peel cell का. तो उसके जो components हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि उसमें color डाल दिया जाता है. Onions may not have as much starch as potato and other plants. The stain allows for the little starch molecules to be visible under the microscope. अब जब starch के ऊपर हम लोग iodine डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो bluish color का हो जाता है. उससे क्या होता है कि जो onions होते हैं उनके जो cells होते हैं हमें ज़्यादा clearly नज़र आते हैं. यानी कि onion cells अगर naturally देखा जाए इस तरह से वो transparent होते हैं, लेकिन जब उसके अंदर हम ये iodine लगाते हैं तो वो transparent से हल्का सा उसके अंदर color आता है, तो उनका जो cell wall होता है वो थोड़ा visible होता है, nucleus उनका visible हो जाता है. तो इस मकसद के हम लोग आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर लुकिंग एट ऑनियन पील सेल. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप? लाइट माइक्रोस्कोप या सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंसेस हमें उसमें बताने हैं. इल्यूमिनेटिंग सोर्स यानी रोशनी कहाँ से आती है? लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का इस्तेमाल होता है विच कैन बी आर्टिफिशियल बल्ब के थ्रू या फिर सनलाइट भी हो सकती है, जबकि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है. लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन है दैट इज 1000 टाइम्स, यानी आप किसी भी स्पेसिमेन को आप 1000 टाइम्स जूम कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर तकरीबन 2 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं. जो स्पेसिमेन होता है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जिस चीज़ को, दैट इज नॉन स्पेसिमेन, वो आप जो है लाइट माइक्रोस्कोप में लाइव यानी वो जिंदा भी आप लाइट माइक्रोस्कोप में डाल सकते हैं और डेड भी डाल सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको वो डेड होता है या फिर ड्राइड होता है, यानी आपको उसको मार के फिर पूरा सुखाना पड़ता है, उस मकसद से भी आप उसको देख सकते हैं. लेंसेज ग्लास लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ग्लास का होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं. रिजॉल्विंग पावर रिजोल्यूशन जो होती है यानी क्लैरिटी कितना हो सकता है, दैट इज 0.25 से 0.3 तक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 0.001 म्यूमीटर हो सकता है. इमेज जो होती है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इट कैन बी कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट, एंड डिपेंड करता है बेसिकली कि आपने जो स्पेसिमेन है वो कलर्ड है, आपने कोई स्टेनिंग यूज किया है जैसे आयोडीन आपने यूज किया है या कोई मिथाइलिन ब्लू यूज किया है, कोई कलर यूज किया या नहीं किया उस पर भी डिपेंड करता है. एंड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इमेज तैयार होती है दैट्स ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट. फील्ड ऑफ यूज लाइट माइक्रोस्कोप में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, लाइक सेल्स के अंदर जो है उसको स्टडी करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग एक्सटर्नल को भी स्टडी कर सकते हैं, सेल स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं और छोटे माइक्रोसोम को जूम करके भी देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल इन नेचर? सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल क्यों होता है? द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल टू आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स. यानी सेल मेम्ब्रेन में आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं आसानी से गुजर सकते हैं, एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल सो दैट सेल्स कैन एक्वायर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स
excrete waste products and control the concentration of required substances in the cell. अब यानी cell membrane की semi-permeability का मकसद ये होता है कि cell membrane की वजह से हम oxygen को अंदर ले सकते हैं instead के वो बाहर चला जाए. Semi-permeable यानी वो decide खुद ही कर सकता है कौन सी चीज़ अंदर आएगी कौन सी चीज़ बाहर जाएगी. यानी वो ऑक्सीजन को acquire कर सकता है और nutrients को भी acquire कर सकता है, अंदर ले सकता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल सकता है, एक्सक्रीट कर सकता है, और वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड जो चीज़ हमें ज़रूरत है उसके मिकदार को, उसके अमाउंट को कंट्रोल में रखता है. अगर ज़्यादा जाता है तो उसको निकाल देता है, कम होता है तो और वह अंदर ले लेता है. इस वजह से सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफरेंट फ्रॉम एक्टिव ट्रांसपोर्ट. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क है? Facilitated diffusion is a special form of diffusion which allows rapid exchange of specific substances. Facilitated diffusion एक diffusion का एक किस्म है जिसमें बहुत ही तेज स्पीड के साथ, rapid speed के साथ कुछ चीज़ों का exchange हो रहा होता है. Particles are taken up by carrier proteins, यानी carrier proteins का इस्तेमाल होता है, which change the shape as a result. यानी कैरियर प्रोटीन्स जब पार्टिकल्स को अपने अंदर लेते हैं तो उनकी शेप तब्दील होती रहती है. यानी ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स में क्या हो रहा है, जब इसके अंदर जब पार्टिकल आ रहा है तो कैरियर प्रोटीन की जो शेप है वो तब्दील हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि वो जो पार्टिकल है वो फिर अंदर आ सकता है. तो ये इस तरह से स्पीड में जो डिफ्यूजन चल रही होती है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती है, सब्सटेंस मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम लो टू हाई यूजिंग एनर्जी. एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जब कोई चीज लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इन बायोलॉजिकल सिस्टम द फॉर्म इन विच दिस एनर्जी अकर्स इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. यानी ये जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है इसके अंदर, दैट इज नोन एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज द सेल कंसीडर्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स क्यों कंसीडर किया जाता है? अब स्ट्रक्चरल यूनिट का पहले देख लेते हैं. सेल्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट्स एज दे फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो सेल पे डिपेंड कर रहा होता है. Cells combine to form tissues, which further combine to form organs. Organs combine to form organic system, which further combine to form organisms. Cells combine होकर tissues बनाते हैं. Tissues का group जो है organs बनाता है. Organs का group organ system बनाता है. Organ system का group organism बनाता है. यानी सबकी बुनियाद क्या है? Cells. यानी सबकी शुरुआत cells से हो रही है. So the cell is a basic structural unit for all unicellular and multicellular organisms. यानी चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सेल ही तमाम ऑर्गेनिज्म की बुनियाद है. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. अब देखते हैं सेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज अ स्मॉल यूनिट व्हिच परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट आर वाइटल टू एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जितने भी प्रोसेसेस की जरूरत है वो तमाम प्रोसेस सेल के अंदर हो रहते हैं. कौन कौन से प्रोसेस? एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है रेस्पायरेशन की, प्रोटीन सिंथेसिस की, सीक्रेशन की और एक्सक्रीशन की. ये तमाम प्रोसेस जो हैं जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ये सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं. सेल्स प्रोवाइड द स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर द अकरेंस ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. सेल्स वो कंडीशंस प्रोवाइड करता है ताकि सारे रिएक्शंस जो हैं हो सकें. दीज हैव द स्पेशलाइज एंजाइम्स विच कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द बॉडी. और सेल इस तरीके से बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसको, ताकि वो सही तरह से काम कर सके हमारी बॉडी, तो हमारे जो रेगुलेशन होती है लाइक हमारा टेम्परेचर हो सकता है, अमाउंट ऑफ केमिकल्स हो सकते हैं, उन सबको कंट्रोल में रखता है. इसलिए जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो सब सेल पे डिपेंड कर रहा होता है, तभी सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. इस तरह से हमारे शॉर्ट आंसर्स 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट हो गए हैं. अल्लाह हाफिज़.